सदन से सड़क तक मोदी के नाम की गूंज। यूपी की गली गली में योगी के नाम की गूंज है। प्रचंड जीत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम आला नेताओं से मेल मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में दूसरे दिन भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। योगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इसके पहले पीएम मोदी मुलाकात के बाद योगी को बधाइयां दे चुके हैं और योगी पीएम को शपथ समारोह में आने का आमंत्रण दे चुके हैं। लेकिन इन मेल मुलाकातों का मकसद क्या है? जाहिर सी बात है कि यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल पर विस्तार से चर्चा। तो फिर सवाल ये है कि कैसा होगा योगी का मंत्रिमंडल? योगी सरकार पार्ट टू में कौन कौन मंत्री बनेगा? डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा? क्या इस बार भी दो ही डिप्टी सीएम होंगे? ये मंथन का दौर है, मंथन और चर्चा इसलिए कि कैसी होगी योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट। क्या तीन डिप्टी सीएम होंगे? क्या नए मंत्री इसमें लाए जाएंगे? चर्चा ये साफ है कि इस बार दलितों को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये भी तय है। साथ साथ डिप्टी सीएम भी होंगे और पश्चिम का एक बड़ा चेहरा इसमें शामिल होगा, जाट, जाटव और साथ साथ पिछड़ी जाति के बड़े चेहरे को आगे रखने की एक पूरी कोशिश होगी। हालांकि अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि योगी सरकार में कौन मंत्री पद पाएगा, मगर इतना जरूर है कि अकेले डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि मंत्रियों को चुनने के लिए भी जातीय समीकरण को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में महिला दलित ओबीसी पर जोर हो सकता है। साफ सुथरी छवि को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्षेत्र के हिसाब से भी मंत्री पद दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि होली के बाद बड़े स्तर पर योगी सरकार का शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर पर जमकर बयानबाजियां हुई थी। दरअसल बुलडोजर का मसला सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से था और योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में बार बार कह रहे थे कि यूपी में कानून को तोड़ने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने में सरकार नहीं हिचकेगी। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है, ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। योगी के बयान को अखिलेश ने हाथों हाथ लिया था और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा तक कह दिया था। अखिलेश योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर व्यंग भी कसते रहे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। इस बार योगी सरकार बुलडोजर की रफ्तार को और तेज करेगी। मतलब ये कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले में उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार और सख्त होती नजर आएगी। इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सरोजिनी नगर से जीते राजेश्वर सिंह और पूर्व पुलिस अधिकारी असीम अरुण को भी जगह मिल जाए। तो पीएम मोदी ने जैसे कहा था बीजेपी होली के पहले होली मनाएगी, वैसे ही बीजेपी में होली हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में किसकी होली रंग बिरंगी होगी। इंतजार है कि कैसी होगी योगी सरकार पार्ट टू। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।